तो फिर वो वीडियो दिखा के हमको बोल रहा है मेरे साथ करो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। फिर रूम बंद करके वो मेरे साथ बहुत गलत किया, चिल्ला रहे थे, बोले प्लीज भैया हमको छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, तो वो बीच रास्ते पे हमको उतार दिया। नमस्कार, मैं हूँ तनुज मासूम और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। पटना की क्राइम हिस्ट्री से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रही है। एक लड़की के साथ दो युवकों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। लड़की अपने फ्रेंड से मिलने बोरिंग रोड चौराहा स्थित जीबी मॉल जाती है। फ्रेंड से मिलने के बाद वापस जब रूम आने के लिए निकलती है तो पार्किंग स्लॉट में एक व्हाइट कलर की चमचमाती हुई कार आकर रुक जाती है। उससे एक लड़का निकलता है जो लड़की को पूर्व से जानता था। 5 मिनट बात करने के लिए लड़की को गाड़ी में पिस्टल की नोक पर बैठा लेता है और लेकर चल देता है सीधे पीएनएम मॉल की तरफ। वहां पर एक फ्लैट में ले जाकर दो युवक उसके साथ बलात्कार करते हैं। हालांकि इन्वॉल्वमेंट इसमें 4 युवक की है। लड़की ने अपने बयान में बताया है कि दो युवक उसके साथ कार में जाता है, फ्लैट पर जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है, जबकि दो युवक जीबी मॉल के पार्किंग स्लॉट में इन लड़कों की मदद के लिए भी आए थे। फिलहाल लड़की को महिला थाने लाया गया है। लड़की ने अपने बयान में एक जो नाम लिया है संदीप मुखिया का, ये संदीप मुखिया का जो ताल्लुकात है ये मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से इसके ताल्लुकात हैं। हालांकि अनंत सिंह के साथ संदीप मुखिया का कैसा ताल्लुकात है ये रिपब्लिकन न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करती है। विनायक सिंह 2 दिन पहले हमसे मिला था और वो हमको बोला तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। और फिर हम, तुम जानती हो हम यहाँ के बहुत बड़े हरामी है, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। तो हम फिर वहाँ से 2 मिनट खड़े थे और फिर हम डर से भाग गए। कल हम जीवी मॉल गए तो जीवी मॉल में वो था, हम अपनी फ्रेंड से एक फ्रेंड से मिले और फिर वो हमको बोला 5 मिनट के लिए इधर आओ बात करना है। फिर हम 5 मिनट के लिए उसके पास गए और वो बोला कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर उसके बाद वो चला गया, हम भी 10 मिनट बाद वहाँ से निकल गए और घर आ रहे थे तो पार्किंग में एक कार आया वाइट कलर का और फिर वो कार मुड़ाया और कार से निकला, वो निकला उसका एक दोस्त कार में जाके बैठ गया और फिर तब तक एक दो लड़का अगल बगल आ गया कार का और फिर वो मुड़ के आया और फिर धीरे से पिस्टल सटा के कार के बगल में बोला जल्दी बैठो नहीं तो गोली मार देंगे, बस हमको 5 मिनट तुमसे बात करना। फिर चौराहा के पास 2 मिनट के लिए कार रुका, कार लॉक कर दिया था तो हम निकल भी नहीं पाए और चिल्लाए भी तो कोई आया भी नहीं हमको बचाने के लिए। तो फिर आया 2 मिनट बाद और पाटलिपुत्रा साइड पीएनएम साइड हमको ले गया और एक फ्लैट था उस फ्लैट पे ज़बरदस्ती डरा के ले गया और फिर रूम बंद करके वो मेरे साथ बहुत गलत किया और फिर हम बहुत रो रहे थे और चिल्ला रहे थे और मेरा वीडियो भी वो बना लिया है। और फिर उसके साथ एक उसका दोस्त था, संदीप नाम है उसका, संदीप मुखिया। तो फिर वो वीडियो दिखा के हमको बोल रहा है मेरे साथ करो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। फिर हम कैसे कैसे कार में, वो हमको बोला चलो हम तुमको छोड़ दे तो हम डर के बैठ गए कार में और फिर वो हमको बीच रास्ते पे बहुत चिल्ला रहे थे, बोले प्लीज़ भैया हमको छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, तो वो बीच रास्ते पे हमको उतार दिया और फिर हम वहाँ से ऑटो पकड़ के हम अपने फ्लैट पे गए। फिर हम अपनी रूममेट को, अपनी दी को सब कुछ बताए तो फिर वो अपने भैया को बताई और फिर वो कॉल किए तो महिला अध्यक्ष हमसे बात की तो फिर वो हमको ले गई थाना। घटना में कितने लोग शामिल थे? घटना में मेरे साथ सिर्फ 2 लोग था लेकिन कार के पास उसके प्रोटेक्शन के लिए 2 लोग और आया हुआ था। इसके पिताजी लोग क्या करते हैं? हमको इन लोग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस हम नाम पता है, वो भी कार में संदीप भैया बोल रहा था तो हम उसका नाम हमको पता चला। और विनायक सिंह को हम बस ऐसे, वो बहुत फेमस है और बहुत गुंडा है तो बस हम उसका नाम सुने उड़ते उड़ते और हम विनायक सिंह। इससे कैसे परिचित हुआ? इसको हम नहीं जानते थे, जैसे हम कैफ़े है एक जीवी मॉल में तो हम लोग शॉपिंग वॉपिंग हमेशा वहीं पे करने जाते हैं खाने पीने, तो होता है ना कि हाँ ये यहाँ का गुंडा है और वो बहुत लड़की को छेड़ते भी रहता है और बहुत लड़की के साथ हो भी चुका है ऐसा। हाँ तो वैसे के साथ गए थे कैफे? नहीं, हम अकेले गए थे लेकिन मेरी फ्रेंड वहाँ पे थी तो हम उससे मिले तो फिर हम ऐसे ही उसका बस नाम सुने गुंडागर्दी में और लड़की को छेड़ते रहता है सब,
ये लोग नाइट्रोजन का गोली भी खा के आते हैं, नशे में रहता है लोग हमेशा, नशा करता है ये। हाँ, और ये लोग बहुत गोलीबाजी भी करता है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।